हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएसपी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो बच्चे पताचल विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं ना, उन्हीं के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि इन बच्चों के भी काफ़ी कमेंट्स हैं। तो मैं आपको बता दूँ डियर, कि जो पताचल विद्यालय में पढ़ रहे हैं ना, उनके भी पीसीबी क्लासेस जैसे स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी पढ़ाई है ना, वो सीबीएसई ने जो रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, जो उसका सिलेबस है, बिल्कुल सेम है, पूरा पूरा सिलेबस आएगा। तो सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर इशू किए हुए हैं, आप उन्हें अच्छे से करो। आप अपनी तैयारी घर पर ही बहुत अच्छे से करते रहो। जो बच्चे रेगुलर हैं, अगर आपके कोई जानने वाला है या यूट्यूब, जो भी आप जहाँ से भी मटेरियल ले सकते हो, उनको अच्छे से करो। सपोर्टिव मटेरियल आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, उससे आप अच्छे से तैयारी करते चले जाओ। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। अब आप ये पूछ रहे हैं कि पत्राचल विद्यालय में जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो असेसमेंट होते हैं, वो कब होंगे? जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होते हैं, तभी वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो टॉपिक देंगे आपको। इन टॉपिक्स पर आपको जो है प्रैक्टिकल करना है और आपको जो असेसमेंट वगैरह करने हैं, ठीक है? तो तभी आपको पूरे बनाने होंगे। हालांकि जो रेगुलर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल फाइल के लिए जो है ना, अभी से बोल दिया गया कि आपको ये फाइल्स वगैरह तैयार करके रखनी है, ठीक है? उनको बहुत सारे काम मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो है एक तरह से ओपन पड़ जाता है ना, तो आपको बाद में मिलता है। अब जैसे जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके तो प्री बोर्ड है, आपके नहीं होंगे, लेकिन आप जो उन्होंने मिड टर्म के पेपर दिए हैं, जो वो प्री बोर्ड के पेपर देंगे, उनको लेकर, ठीक है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, उनसे प्रैक्टिस करो और अच्छे से तैयारी करो। बाद में आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब आपकी जब पीसीबी क्लासेस होंगी, तो एक के बाद क्लास होती रहेगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा कैसे कैसे इतना सारा काम करें, ठीक है? तो आप अपना मटेरियल पहले से तैयार रखें, पूरी पढ़ाई करते रहें। बाकी कोई भी अपडेट होगा, मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने की, लेकिन कभी भी किसी एक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, जिससे कि आपको नुकसान हो जाए, आप समझ रहे हैं ना? तो डीओए की ऑफिशियल साइट पर भी जो है सर्कुलर आएगा, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर दूंगा, पीसीबी क्लास को लेकर या किसी भी बात को लेकर। अगर मैं कोई सीबीएसई के रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाता हूँ ना, जो 10th और 12th की है, तो वो सेम आपके भी काम आएगी, वो आप उसे भी सुना करो, ठीक है? लेकिन प्री बोर्ड के जो पेपर है, वो आपके नहीं होंगे, ठीक है? आप प्रैक्टिस घर पर खूब करो। तो इतना ही कहना था इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स हैं आप बोलें, फिर मैं उनके रिगार्डिंग और वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है? तो अभी यही इन्फॉर्मेशन थी। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।